नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 8T वर्सेस टेक्नो पोवर 3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो स्पार्क 8T में 6.46 इंच जबकि पोवर 3 में 6.81 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो स्पार्क 8T में 2.98 इंच जबकि पोवर 3 में 3.09 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो स्पार्क 8T में 0.35 इंच जबकि पोवर 3 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि स्पार्क 8T से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो स्पार्क 8T में 192 ग्राम्स जबकि पोवर 3 में 230 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि स्पार्क 8T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्पार्क 8T में 6.6 इंचेस जबकि पोवर 3 में 6.9 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन स्पार्क 8T में 1080x2408 और पोवर 3 में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 8T में 84.5% जबकि पोवर 3 में 83.43% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो स्पार्क 8T में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि पोवर 3 में 389 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्पार्क 8T में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और पोवर 3 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो स्पार्क 8T में पावर GE8320 जबकि पोवर 3 में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो स्पार्क 8T में MediaTek Helio G35 और पोवर 3 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो स्पार्क 8T में 4GB की RAM मिलती है, जबकि पोवर 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो स्पार्क 8T में 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि पोवर 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो स्पार्क 8T में अप टू 256GB जबकि पोवर 3 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी स्पार्क 8T में 5000mAh जबकि पोवर 3 में 7000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो स्पार्क 8T में 4 कलर्स जबकि पोवर 3 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 8T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोवर 3 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹13,390, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹12,999 में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो स्पार्क 8T में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो पोवर 3
की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोवर 3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क को 2020 है, दूसरा ओप्पो A15s है, तीसरा शाओमी रेडमी नोट 10s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी 8i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।